घुटने में प्रॉब्लम आई और जबरदस्त प्रॉब्लम आई। ये जो 3500 किलोमीटर हैं, क्या मैं इनको चल पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मैं जानती हूं कि आप अपने लिए नहीं चल रहे हो, आप मेरे लिए चल रहे हो और आप मेरे भविष्य के लिए चल रहे हो। जब मैं छोटा था फुटबॉल खेलता था और कॉलेज में जब मैं फुटबॉल खेल रहा था, एक बार मुझे बहुत जोरों से घुटने में इंजरी हुई थी। मैं उसको भूल गया था घुटने में दर्द नहीं होता था भूल गया था उसको दर्द गायब हो गया था। मगर कन्याकुमारी से 5-7 दिन बाद घुटने में प्रॉब्लम आई और जबरदस्त प्रॉब्लम आई, पूरा अहंकार उतर गया और मैं सोचने लगा क्या मैं ये जो 3500 किलोमीटर हैं, क्या मैं इनको चल पाऊंगा या नहीं। तो जो मैंने सोचा था आसान काम होगा वो काफी मुश्किल हो गया, मगर फिर मैंने किसी ना किसी तरीके से ये काम पूरा कर दिया। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं आपको बोलूं तो दर्द सहना पड़ा काफी, मगर सह लिया। रास्ते में एक दिन मुझे दर्द हो रहा था, काफी दर्द हो रहा था और मैं सोच रहा था अब 6-7 घंटे और चलने हैं और उस दिन मुझे लग रहा था कि आज मुश्किल है। और एक छोटी सी बच्ची आई, दौड़ती हुई आई मेरे पास और मुझे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिखा है, मगर तुम अभी मत पढ़ो, इसको बाद में पढ़ना। और फिर वो मुझे गले लग के भाग गई। फिर मैंने सोचा अब पढ़ता हूं क्या लिखा है। तो उसने लिखा था कि मुझे दिख रहा है कि आपके घुटने में दर्द है, क्योंकि आप जब उस पैर पे वजन डालते हो तो आपके चेहरे पे दिखता है कि दर्द है। मगर मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैं आपके साथ कन्याकुमारी नहीं चल सकती हूं, क्योंकि मेरे माता पिता नहीं चलने दे रहे हैं, मगर मैं दिल में आपके साथ आपके साइड में चल रही हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि आप अपने लिए नहीं चल रहे हो, आप मेरे लिए चल रहे हो और आप मेरे भविष्य के लिए चल रहे हो। और उसी सेकंड में, पता नहीं अजीब सी बात है, उसी सेकंड मेरा दर्द उस दिन के लिए गायब हो गया।